गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सभी का नए सत्र में हार्दिक स्वागत। आज हम बीए सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी के अंदर क्या सिलेबस चलता है, कौन कौन से पेपर हैं और हम किन टॉपिक्स को लेकर अपनी आगे की पढ़ाई की रणनीति बनाएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका हार्दिक अभिनंदन। कोरोना काल के अंदर बीए पार्ट फर्स्ट से आप प्रमोट होकर सेकेंड ईयर में आ गए हैं। अब सेकेंड ईयर में आपको नियमित रूप से लिंक मिलेगा, आप उसको यूट्यूब पर देखें और संभव हो सके तो अपने एक नोटबुक के अंदर अपने नोट्स बनाएं। बीए पार्ट सेकेंड सोशियोलॉजी में सामान्यतः दो पेपर चलते हैं, जिसको हम बोलचाल की भाषा में रिसर्च मेथोडोलॉजी और दूसरे को ग्रामीण समाजशास्त्र कहते हैं। अब चूंकि ये तो हम पढ़ के आ चुके थे, समाजशास्त्र में अनुसंधान कार्य होता है, सर्वेक्षण कार्य होता है। अब अनुसंधान और सर्वेक्षण कार्य को करने के लिए हमें कुछ वैज्ञानिक सामाजिक पद्धतियों की आवश्यकता होती है, उनके द्वारा नवीन ज्ञान की प्राप्ति होगी। यही रिसर्च अनुसंधान कैसे होगा, उसके लिए हम कौन कौन सी टूल्स का प्रयोग करेंगे, इन सब के बारे में आपको जानकारी जो देता है उस पेपर का नाम रिसर्च मेथोडोलॉजी है। इस पेपर में हम दो तरीके से अध्ययन कर रहे हैं, पहले तो पाठ्यक्रम में क्या होगा और पाठ्यक्रम के अनुसार आप लोगों को कौन कौन सी पुस्तकें रिकमेंड की गई हैं। सबसे पहले पेपर का नाम सोशल रिसर्च मेथड्स, यानी सामाजिक अनुसंधान की कौन कौन सी प्रविधियाँ हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। यह पेपर 100 नंबर का होगा, जिसमें पूर्व की भांति एक एक नंबर के 20 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न का जवाब हमें 20 शब्दों में देना होगा। दूसरी ओर दो दो नंबर के 10 प्रश्न होंगे, जिनको हमें 40 शब्दों में आंसर देना है। इस आधार पर हमारा ये पाठ्यक्रम सबसे पहले ए सेक्शन के अंदर हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग सोशल रिसर्च, यानी हमको ये समझना है कि सामाजिक अनुसंधान की समझ को हम कैसे विकसित करेंगे। देखिए यहाँ पर 5 बिंदुओं को पाठ्यक्रम में डाला गया है। सबसे पहले तो विज्ञान का दर्शन क्या होता है, फिलॉसफी ऑफ साइंस, क्योंकि हर विषय का एक दर्शन शास्त्र होता है, तो विज्ञान किस तरह दर्शन की परंपराओं के अनुसार व्यवहार करता हुआ समाजशास्त्रीय क्षेत्र में काम करेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है नेचर ऑफ साइंस, अर्थात विज्ञान की प्रकृति क्या है। अब यह प्रकृति का मतलब नेचर से है, जैसे किसी व्यक्ति के बारे में बात करें कि साहब इसकी प्रकृति गुस्सेल है, ये मजाकिया है, सहायता करने वाला है, वैसे ही हमें विज्ञान के बारे में जानना है। तो सामान्य शब्दों में हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, विज्ञान का अर्थ होता है जो तार्किक आधार पर कोई अध्ययन करे, प्रयोग करे, भविष्यवाणी करे, ये सारे कंसेप्ट विज्ञान की प्रकृति का। और विज्ञान में क्या परिणाम बदलते नहीं हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में सूर्य जब पूर्व दिशा में निकलता है, पश्चिम में छिपता है, तो ये सर्वमान्य सत्य माना जाता है। वैसे ही हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु जब मिलेगा तो H2O, यहाँ पानी बनेगा। अब ये निर्माण चाहे जापान में कर लो, चाहे इंडिया में कर लो, चाहे किसी अन्य राष्ट्र में कर लो, तो नेचर ऑफ साइंस हमेशा स्थिर प्रकृति की है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति का यहाँ पे आशय है कोई भी व्यक्ति जब प्रयोग करता है तो सबसे पहले उसके सामने चुनौती ये रहती है कि वो तटस्थ रहे, इसको एक शब्द कहा जाता है, बायस्ड ना हो, मूल्य मुक्त हो जाए, अपनी मन की रुचि पसंद इनको इग्नोर करके जो है यथार्थ रियलिटी उसको दिखाए, ये कहलाता है साइंटिफिक मेथड के अंदर वस्तुनिष्ठता।
जैसे हम प्रयोगशाला में सोडियम और क्लोराइड को मिलकर नमक बनाते हैं NaCl। अब सोडियम जो होता है वो थोड़ा ब्राउन होता है और क्लोराइड बैंगनी होता है। NaCl को मिला के नमक बना बिल्कुल वाइट धवल क्रांति के रूप में। अब मुझे नहीं लगता कि भूरे रंग का पदार्थ सफ़ेद बना किसी के सेहत पे असर पड़ा होगा, क्योंकि वो निर्जीव वस्तु, हम उसको वस्तु मान के चल रहे हैं। फिर आप सोचिए, जब हम किसी सोसाइटी में अध्ययन कर रहे हैं और वहाँ मीणा जनजाति पे हमने अध्ययन किया या सेहरे जनजाति पे अध्ययन किया और हम खुद मीणा जनजाति या सेहरे जनजाति से संबंध रखते हैं, तो फिर हम लोगों को देख कर क्यों प्रभावित हो रहे हैं? हमको वैसा ही व्यवहार करना है जैसे सोडियम लोग क्लोराइड को देख के किया था। तो ऐसी स्थिति में आपको एक तटस्थ भाव रखना होगा। ये जो अध्ययन का प्रकार है इसे साइंटिफिक मेथड कहते हैं। फिर है इश्यूज ऑफ ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी इन सोशल साइंस। किसी भी सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता क्या होती है, व्यक्तिनिष्ठता क्या होती है, इसको हम पढ़ेंगे। फिर है एथनोग्राफी एंड सोशियोलॉजिकल रिसर्च। एथनोग्राफी एक अध्ययन की नई विधा आई है जिसके अंदर एथनो शब्द लोक विधि विज्ञान से संबंधित है, जो पुरातत्व महत्व की वस्तुओं के साथ कार्य करता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो एथनो पुरातत्व महत्व की वस्तुओं के माध्यम से वहाँ के जनजीवन का अध्ययन करने की एक विधि है। सोशियोलॉजिकल रिसर्च में सामाजिक अनुसंधान के बारे में बताया गया है, यहाँ सामाजिक अनुसंधान किस रूप में होगा, अनुसंधान की प्रवृत्ति कैसे काम करेगी, इन सब का हम अध्ययन करते हैं। और ये अनुसंधान की पद्धति एक रिसर्च के कंसेप्ट को बताता है। देखिए, आप कोई पेन हाथ में रखें, पहली बार जब आप पेन हाथ में देखेंगे तो आपका नज़र क्या अवलोकन करेगी कि पेन किस रंग का है, इसका पॉइंट कैसा है, चलाने के बाद ये लाल है, नीला है, हरा है, जो भी है, इसका कैप कैसा है। आप दोबारा उस पेन को गौर से देखेंगे, शायद आपको कंपनी का नाम भी मिलेगा। तीसरी बार देखेंगे तो आपको उसके मटेरियल के बारे में पता लगेगा, शायद इसमें प्लास्टिक के अलावा तांबा भी यूज़ हो रहा है, या लोहा या निकल यूज़ हो रहा है, जो भी है। हर बार आपको नई चीज़ मिलती है। वैसे ही समाजशास्त्र के अंदर जब हम फील्ड में जाते हैं तो आपको हर बार सामाजिक परिवर्तन के रूप में, घटनाओं के बदलाव के रूप में कोई ना कोई नवीन तथ्य देखने को मिल सकता है। ये जो नवीन तथ्य देखने को मिलेगा, यहाँ अनुसंधान हो रहा है, रिसर्च का मतलब ही है RESEARCH। री यानी रिपीटेशन, पुनः पुनः, बार बार, सर्च यानी खोजना। जब हम तथ्यों को बार बार खोजते हैं, समझते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर उन तथ्यों के द्वारा हमें नवीन ज्ञान की प्राप्ति होगी। सेकेंड यूनिट की जब हम बात करते हैं तो सेकेंड यूनिट के अंतर्गत मेथड्स ऑफ रिसर्च इन सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी, यानी जो तथ्य होते हैं इन तथ्यों के संदर्भ में प्योर एप्लाइड रिसर्च क्या है, विशुद्ध रूप से कौन सा अनुसंधान काम करता है, इसका व्यवहारिक अनुसंधान क्या होगा। टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स, समाजशास्त्रीय पद्धतियों के रूप में एम्पिरिकल मेथड कौन सा है, अर्थात आनुभाविक तथ्य कैसे काम करेंगे, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक पद्धति कैसे काम करेगी, तुलनात्मक अध्ययन कैसे होगा और विस्तृत वर्णनात्मक अध्ययन कैसे होंगे, इसके बारे में चर्चा होगी। अगले बिंदु के रूप में टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन को हिंदी के शब्द के द्वारा संबोधित किया गया है अनुसंधान अभिकल्प, जिसका मतलब होता है एक ऐसी विधि, एक ऐसा तरीका जिसके अंदर हम डिस्क्रिप्टिव, व्याख्या करने के आधार पर, वर्णन के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, विवेचन के आधार पर एक पूर्व योजना बनाते हैं, अनुसंधान की संरचना के बारे में कच्चा चिट्ठा तैयार करते हैं। ये जो रिसर्च को हमने डिजाइन किया, ये अनुसंधान अभिकल्प क्या होगा, इसकी चर्चा इसके अंदर की जाएगी। बी यूनिट के अगले बिंदु के रूप में है डिफरेंस बिटवीन सर्वे एंड रिसर्च, अर्थात सामाजिक सर्वे में और अनुसंधान में अंतर क्या है,
अब आपके लिए ये दोनों शब्द नए हैं, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है आप सर्वे के बारे में और अनुसंधान के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। यहाँ सर्वे का अर्थ क्या है? सतही जानकारी लेना, ऊपरी तौर पर आंकड़ों को प्राप्त करना। और रिसर्च का मतलब क्या है? अनुसंधान, बार 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 तथ्यों को खोजना समझना, यह अनुसंधान की श्रेणी में आता है। सी यूनिट जो कि अपने आप में रिसर्च डिजाइन कैसे हम प्राप्त करते हैं उससे संबंधित है, जिसको टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डेटा के रूप में समझाया गया है, जिसका अर्थ है कि कौन कौन सी टूल्स का हम प्रयोग करेंगे, टेक्निक्स को हम यूज में लेंगे, जिसकी वजह से हम तथ्य का संकलन कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं। इसमें पहला बिंदु है सैंपलिंग प्रोसीजर। सैंपलिंग का मतलब है निदर्शन। इसके प्रकार कौन से हैं? प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, यानी संभावनापूर्ण निदर्शन क्या है और असंभावनापूर्ण निदर्शन क्या है। देखिए, सबसे पहले हम समझ लें निदर्शन का अर्थ होता है। समाज में बहुत से लोग हैं, सबका तो आप अध्ययन नहीं कर पाएंगे। संपूर्ण इकाइयों में से कुछ इकाइयों को चुनना, उनका अध्ययन करना, उस पर जो परिणाम प्राप्त हो उस परिणाम को संपूर्ण के हित में लागू कर देना, ये सैंपलिंग है। कहते ना, हमने सैंपल लिया। आप लोग किचन में जब चावल उबालते हैं तो बर्तन में से चावल के कुछ दाने निकालकर तोड़कर प्रयोग करके देख लेते हैं कि वो उबले या नहीं उबले। अगर मान लीजिए वो कच्चे रहते हैं तो आपका निर्णय होता है संपूर्ण चावलों के संदर्भ में, और यदि वो थोड़ा जोर लगाने पर टूट जाते हैं, इट मीन्स आप समझ जाते हैं कि बर्तन के सारे चावल पक चुके हैं, अब हमें गैस बंद करनी है। ठीक इसी प्रकार सोसाइटी के अंदर जब हम अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन के संदर्भ में हम लोग नवीन जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, नवीन जानकारियों का सैंपल लेके देखते हैं, और जो परिणाम प्राप्त होता है उसको संपूर्ण पर लागू कर दिया जाता है। ये सैंपलिंग विधि है। अब ये सैंपलिंग भी दो प्रकार की होती है, संभावनापूर्ण और असंभावनापूर्ण। आपने सांप सीढ़ी का खेल खेला होगा, उसमें गोटी के अंदर जब चलते हैं तो कभी एक दो तीन चार पाँच छः आते हैं। इट मीन्स एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर पाँच और छः नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। ऐसा नहीं होगा कि आपने गोटी डाली और 11 नंबर आ गया हो, तो 11 उसमें है ही नहीं। तो एक दो तीन चार पाँच छः आने की संभावना सर्वाधिक है, तो ये संभावनापूर्ण निदर्शन कहलाएगा। एक होता है आकस्मिक, एक्सीडेंटल आप किसी डेटा को यूज करें जिसकी कोई संभावना नहीं थी, वो गैर संभावनापूर्ण निदर्शन की श्रेणी में आ जाता है। इसके अलावा टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन में आप किन टूल्स का प्रयोग करेंगे, इसका संदर्भ है ऑब्जर्वेशन अवलोकन विधि, क्वेश्चन एयर प्रश्नावली विधि, शेड्यूल अनुसूची विधि, इंटरव्यू गाइड साक्षात्कार निर्देशिका विधि। अर्थात हम अवलोकन के प्रकार जानेंगे, अवलोकन का मतलब समझेंगे, प्रश्नावली कैसे बनती है, अनुसूची कैसे बनती है, प्रश्नावली अनुसूची अंतर कैसे होते हैं, क्या इनके अंदर बेसिक अंतर है या वैसी जैसी दिखती है वैसे काम भी लेंगे, आप साक्षात्कार कैसे कर सकते हैं, ये सब हम इसमें समझते हैं। सोर्स ऑफ डेटा, जो भी हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं दो प्रकार की होती है। जब हम जानकारियों की किताब से, समाचार पत्र से, टीवी मीडिया के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, इट मीन्स वो आपके लिए अलग प्रकार की जानकारी है। एक आप खुद अध्ययन क्षेत्र में जाकर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो जब अध्ययनकर्ता स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाकर तथ्यों को संकलित करता है तो संकलित करने के आधार पर ये प्राइमरी डेटा होता है, और जब किसी अन्य का किया गया अध्ययन हो उसका हम उपयोग कर रहे हैं, या किसी किताब किसी मैगजीन में से कोई चीज़ उतार रहे हैं, तो वो हमारा सेकेंडरी डेटा की श्रेणी में आ जाता है। इसके बाद इस पेपर का अंतिम जो खंड है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, नेचर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप हैं, कक्षा 10 में आप मीन मोल मीडियन बहुलक के सवाल समझ के आए, वही चीज़ है। मीन यहाँ पे समांतर माध्य है, मीडियन माध्यिका है, और मोड यहाँ पर बहुलक है। तो हम समांतर माध्य बहुलक के माध्यम से इन चीज़ों को समझेंगे।
आपके सिलेबस में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में कुछ बुक्स रिकमेंड की गई हैं, जैसे राम आहूजा की बुक आती है रिसर्च मेथड्स, गुप्ता बजाज की आती है गुड़े की है, पीटर एचमान की है मेथड्स ऑफ सोशल इन्वेस्टिगेशन। ये जो 10 किताबें पीवीएन की भी इसमें है, सोशल सर्वे एंड रिसर्च, विशेष करके साइंटिफिक सोशल, ट्रिपल एस आर है, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च। हिंदी माध्यम में भी 3 किताब आती है, कैलाश नागर की सांख्यिकी, योगेंद्र प्रकाश शर्मा की सामाजिक अनुसंधान की तर्क एवं वित्त पद्धतियाँ, और हरिकृष्ण रावत की सामाजिक शोध की विधियाँ रावत पब्लिकेशन की। तो ये जो पुस्तकें हैं ये हमको रिकमेंड की गई हैं, जिसके अंदर आपका पूरा पाठ्यक्रम समाहित है। ठीक इसी प्रकार आपका जो सेकंड पेपर है, इस सेकंड पेपर को 3 खंड में हम बांट सकते हैं। ये जो खंड बांटे गए हैं इनका संदर्भ यहाँ पे कहा जाता है कि ये जो खंड है इसके फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन टू रूरल सोशियोलॉजी, यानी ग्रामीण समाजशास्त्र में गांव का जो समाज है, सोशियोलॉजी फॉर विलेज, इसको हम गांव का समाजशास्त्र भी कह सकते हैं। इसके कंसेप्ट अवधारणा क्या है, ग्रामीण समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ, बेसिक कंसेप्ट के रूप में गांव किसे कहते हैं, पीसेंट सोसाइटी यानी कृषक समाज क्या है, लिटिल एवं ग्रैंड मल्टीपल ट्रेडिशंस के रूप में लघु एवं वृहद परंपराओं का निर्माण कैसे होता है, रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम यानी ग्रामीण नगरीय सातत्य किसे कहते हैं, और फीचर्स ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिसी इन रिलेटेड टू विलेज, गांव की अर्थव्यवस्था क्या है, गांव में किस प्रकार का पॉलिसी मेकिंग या राजनीतिक गतिविधियों का संचालन होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बी यूनिट जो है वो सोशल स्ट्रक्चर ऑफ विलेज, यानी गांव की संरचना कैसे बनी। तो आप जानते हैं कि कोई भी संरचना या संस्था के माध्यम से बनती है, तो फैमिली परिवार क्या है, कास्ट क्या है, किनशिप एंड जेंडर क्या है यानी नातेदारी, लिंग की अवधारणा इसको हम पढ़ेंगे। रीजन एंड विलेज लाइफ, धर्म का गांव के जीवन में क्या योगदान है, चूँकि हम ग्रामीण संस्कृति से वाकिफ हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से या स्वयंभू अनुभव के आधार पर हमें गांव के बारे में पता चलता है, तो धर्म के अंधविश्वास कैसे गांव की लाइफ को प्रभावित कर रहे हैं इसमें हम देखेंगे। इसके अलावा कुछ स्वरूपात्मक और अस्वरूपात्मक संस्थागत संरचनाएं हैं, गांव क्या है, पंचायत क्या है, जाति पंचायत क्या होती है, इन सबको हम बी यूनिट में देखेंगे। तीसरी जो यूनिट है चेंज इन इंडियन विलेज स्ट्रक्चर, अब गांव की संरचना में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, जैसे कृषक आंदोलनों ने एक नई दिशा दी है। आप लोगों ने समाचार में पढ़ा होगा कि कृषकों का आंदोलन हो रहा है पंजाब बॉर्डर पे, हरियाणा बॉर्डर पे, ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं, ये नई चीज़ है। सुसाइड, आत्महत्याएं बहुत करते हैं, असमानता है, गरीबी बहुत ज़्यादा है। फिर किसानों ने कुछ आंदोलन किए हैं भारत में, कौन कौन से किसान आंदोलन हुए उनके बारे में, और अंतिम खंड के रूप में जो अंतिम टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन विलेज सिस्टम, यानी आज हमारे जो गांव की संरचना है, इस गांव की संरचना में नगरीकरण ने क्या प्रभाव डाला, क्या इम्पैक्ट किया, और वैश्वीकरण की अवधारणा किस प्रकार ग्रामीण संरचना को प्रभावित कर रही है इसको हम पढ़ेंगे। इन सबको सिलेबस में 5 किताबों रिकमेंड की गई है, जिसमें ए आर देसाई की रूरल सोशियोलॉजी इंडिया है, एम एस ए राव की अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया है, ए आर देसाई की रूरल सोशियोलॉजी इंडिया, इसके अतिरिक्त अल्फ्रेड डिसूजा की, रामकृष्ण मुखर्जी की जो पुस्तक है द डायनेमिक ऑफ रूरल सोसाइटी, इन सबका अध्ययन आपके लिए लाभप्रद रहेगा। ये आपका पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम को 2 भागों में, 2 पुस्तकों में बांटा जो आपको हमने बताया, निश्चित तौर पर ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद रहेगी और आप इसके माध्यम से अपने अध्ययन को गति प्रदान करेंगे। आगामी क्लास में मैं रूरल सोशियोलॉजी, ग्रामीण समाजशास्त्र के अलावा
रिसर्च के संदर्भ में आपको प्रतिदिन कोई ना कोई लिंक भेज के जानकारी दूंगा। आपने धैर्य प्रयोग सुना, उसके लिए आपको धन्यवाद।